माता की, भारत माता की। हरियाणा के सीएम खट्टर ने किया नाहन के विधायक राजीव बिंदल की जीत की हैट्रिक का दावा। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब खट्टर ने बताया बिंदल को उनका पुराना मित्र। जनता से किया भारत माता के जय घोष की आवाज, हरियाणा तक पहुंचने का आह्वान। बड़े बड़े नेताओं के करीबी नाहन के विधायक को मंत्री तक न बनाए जाने के भी चर्चे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज नाहन के भाजपा प्रत्याशी एवं MLA डॉक्टर राजीव बिंदल के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। अपना भाषण शुरू होने से पहले मनोहर लाल ने मौजूद जनसमूह से भारत माता की जय का नारा इतनी जोर से लगाने का आह्वान किया कि अब आज साथ लगते उनके सूबे हरियाणा तक पहुंचे। चुनावी सभा के दौरान खट्टर ने राजीव बिंदल को उनका पुराना करीबी मित्र भी बताया और उनकी हैट्रिक अथवा तीसरी बार जीत को तय बताया। गौरतलब है कि इससे पहले गत 15 अक्टूबर को सिरमौर जिला के सतौन में आयोजित हाटी आभार रैली के दौरान भाजपा में दूसरे नंबर की हैसियत वाले बताए जाने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह भी बिंदल को अपना मित्र कहकर संबोधित कर चुके हैं। और सियासी गलियारों में इस बात के भी चर्चे हैं कि बड़े बड़े भाजपा नेताओं के करीबी राजीव बिंदल को आखिर इस बार प्रदेश सरकार द्वारा मंत्री अथवा महत्वपूर्ण पद आखिर क्यों नहीं दिया गया। इस बारे उनके समर्थक व विरोधी अलग अलग तर्क देते हैं और कुछ लोग जहां उन्हें पहले की तरह बड़ा पद न दिए जाने को साइडलाइन लगाना बता रहे हैं, वहीं कुछ अन्य उन पर गत वर्षों में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भी इसकी वजह मानते हैं। हरियाणा की सीमा दूर नहीं है, हरियाणा की सीमा में कुछ हलचल हो तो आवाज यहाँ से जानी चाहिए, जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि बिल्कुल पास की पड़ोस की मेरी सीट नाहन सीट, और जिसमें हमारे प्रत्याशी मेरे मित्र मेरे बहुत ही पुराने परिचित बिंदल जी यहाँ प्रत्याशी है। इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उद्घाटन के अवसर पर ही आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब इसमें मुझे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि डॉक्टर राजीव बिंदल की हैट्रिक नहीं लगेगी, ये हैट्रिक तो लगेगी। लेकिन कोई विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो उसकी इच्छा केवल पास होने की नहीं रहती, उसकी इच्छा क्या होती है कि डिस्टिंक्शन मार्क्स में मैं कैसे अपनी कक्षा में प्रथम आऊं, मैं कैसे आसपास के इलाके में और जरा ज्यादा मार्जिन से ज्यादा अंकों से मैं अपना मेरिटोरियस स्टूडेंट कहलाऊं, एक इच्छा होती है। वो इच्छा मेरी भी है, हमारे डॉक्टर साहब की भी है, और मुझे नहीं लगता कि आपकी इच्छा नहीं होगी, इच्छा भी होगी। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए आज हम यहां एकत्र हुए हैं।